तनवीर चावल मिल पे जमीन का उन पे अवैध कब्जे के संबंध में तहसीलदार के आदेश के बाद उनको उन पे लगाया गया था जुर्माना और अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए जमीन का। उसके बाद वो माननीय उच्च न्यायालय में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने डायरेक्शन दिया कि आप पहले पैसा जमा करके तब आइए, तब हम आपकी बात सुनाएंगे। तो फिर कितने का लगा है? उस पे लगा है जुर्माना 4 करोड़। क्या वसूली है सर? नहीं, वसूली का तो जो माननीय उच्च न्यायालय ने जितना आदेश दिया था उतना हुआ। कितनी जमीन पर कब्जा किया हुआ है? कोर्ट का न्यायिक प्रक्रिया के वो तहत तो वो था वो आदेश, उसमें होगा कितना जमीन था उसमें। कुछ पता है सर कौन सी जमीन थी, वो किस चीज़ की? नहीं, सरकारी जमीन चक्रोड और इस तरह से थी, उनकी फैक्ट्री के अंदर आ रही थी, तो उस जमीन पे उनका कब्जा था। उनका कब्जे को हम लोगों ने हटवा भी दिया और उनके जो जुर्माना लगाया गया जुर्माने की राशि उनसे वसूलने की कार्रवाई की जाएगी। ये 2011 में ये छपरौला निवासी है कोई किसान या आदमी, उसने शिकायत की थी 122 बीघा अवैध नाली चक्रोड की। उसमें 8 साल से चल रहा था मामला। तहसीलदार साहब ने 4 करोड़ 30 का जुर्माना करा, उसके खिलाफ़ ये ADM न्यायिक के अपील में चले गए। ADM साहब न्यायिक ने इनकी अपील खारिज कर दी। अभी हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में 50 लाख का इन पर पहले जमा करने के लिए 10 तारीख को इनकी बहस होगी फाइनल कि आपके साथ गलत लगा है सही लगा। इससे अलग भी अच्छे लगा में 4.25 करोड़ की न्यायिक तहसीलदार के यहाँ चल रही है। किसने लगाया है जुर्माना? ये नाली चक्रोड कौन सी कंपनी है? ये KRB लिमिटेड कंपनी है अच्छी जगह में। कितनी सरकारी संपत्ति जमीन पर कब्जा कर रखा इस पे नाली और चक्रोड जो नमरान है वो तो 25 बीघे बैठती है अच्छी जगह छपरौला में 25 बीघे। और जो इससे अलग बड़ा जंगल जंगलात 500 बीघे इतने खरीदी है, उससे अलग इतने 600 बीघे कब्जा किया अच्छी जगह में। उसके खिलाफ भी एक रिट डली हुई है 82-02 हाई कोर्ट में पेंडिंग।